शायद सबसे जरूरी बात आपकी स्टेटहुड की है। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, ये हुआ है। स्टेट्स को बांटा भी गया है, एक स्टेट को दो भागों में बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उसमें से तेलंगाना बनाया। बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड बने। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया। मगर पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया। और यह शर्म की बात है, यह हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए। और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है, उसके बिना नहीं हो सकता। दिल्ली में जो सरकार है वो 2-3 अरबपतियों की सरकार है। यहां जो आपको सही दाम नहीं मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी सेब के किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, उसका कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10-15 अरबपतियों के लिए काम करती है। जो भी वो करते हैं 10-15 लोगों के लिए करते हैं। एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा ये 2-3 लोगों को देते हैं और ये 2-3 लोग इनकी मार्केटिंग करते हैं। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेसेस हैं, यहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं, सेब का जो बिजनेस चलाते हैं, इन सब को नोटबंदी और जीएसटी ने खत्म किया है। गलत जीएसटी ने छोटे बिजनेसेस को खत्म कर दिया और आज यह हालत है कि पूरे देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जम्मू कश्मीर की हालत आप जानते हो, यहां पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है उसको नहीं मिल सकता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर है, छोटा बिजनेस चलाता है, मिडिल साइज बिजनेस चलाता है, हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, तो बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम 10-15 अरबपतियों की मदद करने में लगा हुआ है।
जीएसटी में आप पैसा देते हो, जितना पैसा आप देते हो हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं उतना ही पैसा अदानी देता है। अगर आप शर्ट के लिए 18% देते हो तो अदानी भी उसी शर्ट के लिए 18% देता है। जितना जीएसटी गरीब व्यक्ति देता है उतना अरबपति देता है। महंगाई बढ़ती रहती है, कर्जा माफ होता है तो अरबपतियों का होता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों के माफ किए हैं, मगर किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, इनका कर्जा कभी माफ नहीं होता है। यही फर्क है हम में और उनमें। यहां पे उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी की बात की, स्मार्ट मीटर लगा दिया। पहला काम हमारी सरकार करेगी, ये स्मार्ट मीटर है उसको निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। और जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने नफरत फैलाई उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई। और 4000 किलोमीटर चले यहां तक जम्मू कश्मीर तक हम आए कि हम मैसेज देना चाहते थे, ये भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, ये सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ बुलाना है, मैं यहां हाजिर हो जाऊं। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, आप ट्राई करो अगली बार कहना, अपने एमएलए से कहना, जो जीतेंगे उनसे कहना भैया राहुल जी को बुलाओ, और आप देखना जैसे ही आप मुझे बुलाओगे मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और अगली बार बुलाओगे तो भैया आधे घंटे के लिए मत बुलाना, कम से कम एक दो दिन के लिए बुलाना, गहराई में मुझे यहां समझाओ क्या हो रहा है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।